अमरपाटन में पानी को लेकर संघर्ष चल रहा है। पानी भरने के विवाद में गोली चल गई, जिससे इलाके में दहशत का माहौल हो गया। अब पानी का विवाद पुलिस तक पहुंच गया है। अमरपाटन के वार्ड 13 में पानी भरने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया और इस विवाद में एक व्यक्ति ने बंदूक से हवाई फायर कर दहशत फैला दी। वार्ड 15 के रहवासियों के ऊपर शरद नामदेव नामक व्यक्ति ने विवाद में बंदूक से फायर कर दिया, जिससे लोग बाल बाल बचे। पीने का पानी भरने को लेकर यह विवाद इतना बढ़ गया कि एक व्यक्ति ने पिता की लाइसेंसी बंदूक से फायर कर दिया। चुनाव आचार संहिता के बीच पिता के स्वर्गवास होने के बाद भी आरोपी ने थाने में बंदूक जमा नहीं की और इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने फायर करने वाले को गिरफ्तार कर लिया है। पुरानी बस्ती अमरपाटन में रात्रि 3 बजे करीब पानी कुछ लोग भर रहे थे। रात्रि में पानी प्रदाय किया जाता है नगर पालिका द्वारा। उसी दौरान शरद उर्फ संतोष नामदेव ने हवाई फायर किया है। प्रार्थी पुष्पेंद्र की रिपोर्ट पे FIR दर्ज हुई है, उसके खिलाफ अभी अभिरक्षा में है। उसकी गिरफ्तारी करके न्यायमान्य न्यायालय पेश किया जाता है। आज सुबह 3:30 बजे के आसपास शरद कुमार नामदेव के द्वारा लोगों के बताए अनुसार कहा जा रहा है कि उन्होंने गोली चलाई है, क्योंकि पानी की समस्या को लेकर के विवाद की स्थिति निर्मित हुई। नगर परिषद में ज्ञापन भी आम जनता वार्ड क्रमांक 15 के द्वारा दिया गया था, किंतु नगर परिषद के उदासीनता की वजह से पानी की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। बोर भी करवाया गया, पाइपलाइन बिछाने की स्थिति बनी, लेकिन तत्कालीन वर्तमान CMO द्वारा निष्पक्ष रूप से कार्रवाई नहीं की गई, जिसकी वजह से आज ये स्थिति निर्मित हुई कि आम जनता के बीच में गोली चलने की नौबत आज उत्पन्न हो गई है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।